बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर फक्कड़पुर ग्रामवासियों ने दी श्रद्धांजलि सभा। अपना दल इसके जिला उपाध्यक्ष महाराज सिंह दोहरे की आवास पर हुआ कार्यक्रम। भारत रत्न बाबा साहब एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें आज श्रद्धांजलि दे रहा। रविवार को फफुंद नगर से सटे ग्राम फक्कड़पुर में अपना दल इसके जिला उपाध्यक्ष महाराज सिंह दोहरे की आवास पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अपना दल इसके नियुक्ति जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश पाल, कार्यक्रम के अध्यक्ष भूप सिंह दोहरे व कोरी समाज परिवर्तन जागृति महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अपना दल इसके वरिष्ठ कार्यकर्ता बेचेलाल, कोरी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय मंत्री सलीम खान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपना दल इसके वरिष्ठ कार्यकर्ता बीचेलाल कोरी ने कहा कि संविधान में बाबा साहब ने बराबरी का दर्जा न दिया होता तो आज दलित समाज फर्श पर होता, अर्श पर नहीं होता। ना हिंदुस्तान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नई पीढ़ी को बचाने के लिए उसे पढ़ना होगा, तब अपने अधिकारियों की जानकारी पा सकेंगे। श्री कोरी ने कहा कि किसान मारोगे तो रोटियां कहां से खाओगे, बेटियां मारोगे तो बहू कहां से लाओगे, बेटी बचाओ किसान बचाओ पर बोलते हुए श्री कोरी ने कहा कि हमारी सरकार इस पर ध्यान दे। इस मौके पर मौजूद भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा सलीम खान ने कहा कि बाबा साहब के संविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार पाल, अजय कुमार राठौर, रमेश चंद कठेरिया, जिला उपाध्यक्ष महाराज सिंह दोहरे, बदन सिंह, अमर सिंह, शिववीर सिंह, बलवान सिंह पाल, राम अवतार होतीलाल, विद्याराम, डॉक्टर शिवजी, शिवाजी, जितेंद्र कुमार, नंद किशोर, संतराम, बलराम सिंह व महिलाएं व बच्चे उपस्थित रहे। जिला रिपोर्टर अखिलेश कुमार पाल के साथ विमल कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। अपना दल के शीर्ष नेता द्वारा जिलाध्यक्ष दिव्यापुर रवि प्रकाश पाल को बनाया गया और मैं उसी पार्टी के वरिष्ठ समाज कार्यकर्ता बैचीलाल कोरी से आज जो फक्कड़ प्रोग्राम में स्वागत सम्मान कार्यक्रम हुआ है, ये बताएं कि शीर्ष नेतृत्व ने अपना दल एस शीर्ष नेतृत्व ने रवि प्रकाश पाल को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, उसमें संबंध में थोड़ा हमें बताया आप, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई रवि पाल की जो नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति में हमारे ज़िले में जो कमाकर खाने वाले लोग हैं वो छोटे तबके लोगों को खुशी हुई है, और चूँकि रवि पाल बाल समाज में पिछड़ा वर्ग में आते हैं और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जात को भी अपने साथ लिए हैं, और अपना दल पार्टी का मिशन ही है कि शोषित, पीड़ित, वंचित इनको हक दिलाने का कार्य कर रही है, और रवि प्रकाश पाल भी उसी कड़ी में जुड़े हैं। पार्टी को इससे क्या अपेक्षा हो सकती है? आगे जो शासन की मंशा होगी और जो मेरे संगठन का काम है, हमारा संगठन संयुक्त दल भाजपा में काम कर रहा है और मेरा कारागार मंत्री और 11 अन्य दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, इनसे जो भी लोग हमारी पार्टी में आने के इच्छुक होंगे उनकी हर संभव हर प्रकार से मदद की जाएगी, ऐसा हमारा विचार है। पार्टी 2022 को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? पार्टी 2022 के लेकर मेरी कोई बात नहीं है और ना हम कोई निर्णय ले सकते हैं, वो उसमें शीर्ष निर्णय अनुप्रिया जी, आशीष पटेल ओम प्रकाश कटियार ही लेंगे, और उसके नेतृत्व को लेकर के हम पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। अब 2022 में भाजपा से भी आपका मिला रहेगा? हम इस बात पे भी नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। थैंक यू, धन्यवाद।